नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में आपका जो समय आप देने वाले हैं, उस समय के बदले आपको जो ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान आपके जीवन को बदल डालेगा। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी पढ़ने में आप बहुत ही डरते हैं, झिझक होती है, गलत उच्चारण करने का डर होता है, हालांकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ड्स को सही से पढ़ते होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अगर आप महिला हैं, तो वीडियो आपके लिए। अगर आपको इंग्लिश बेसिक सीखना है, जीरो सीखना है, तो वीडियो आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए, जिससे कि जानकारी सबसे पहले आप ही तक पहुँच सकती है। और देखिए, ये ओमनी सेंट इंग्लिश जो है दोस्तों, 2000 वीडियोज रखता है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं, और वीडियोस हमेशा ही डिफरेंट होता है, रिपीटेड नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ जो बातें भले ही मेल खाती हो, लेकिन मैक्सिमम कह सकते हैं हर एक बात जो है डिफरेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो दोस्तों देख रहे, कल वाले क्लास में, कल इसके पहले वाले डे बिफोर यस्टरडे वाले क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने एक स्टोरी बताया था कि भाई अब जो है टेक्स्ट में लिख, मतलब एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया ये, और एनसीईआरटी के बुक को ही मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी जो है हमारा देश के सबसे, कह सकते हैं कि सभी लोग इससे पढ़ना चाहते हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, क्योंकि सेंट्रल का है बुक, और अच्छा अच्छा जो है वर्ड्स है इंग्लिश, मतलब यही दुनिया में, मतलब जो इंडिया में या कहीं भी, इन्हीं वर्ड्स पे आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। जिनको नहीं पढ़ने आता, वो अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई कैसे पढ़ा जाता है, और इसी पे वीडियोज़ है, कुछ ट्रिक्स को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो पहले कारी लिखा हुआ, कारी जो है ये हिंदी का शब्द है जिसे अंग्रेजी किया गया है। इसके लिए आपको जो है वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला, वर्णमाला का अंग्रेजी, अंग्रेजी जो होता है यानी ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर, मतलब सॉरी, क से लेकर ज्ञा तक के सारे अक्षर, और अ से लेकर अह तक के सारे अक्षर का अंग्रेजी जानेंगे, तभी आप इस तरह से किसी भी शब्द को, कोई भी एड्रेस को आप लिख पाएंगे। तो चलिए, कारी वॉज, है ना, कारी वॉज लाइक, आई का उच्चारण आई के रूप में, तो लाइक ए बे, बे बी बेबी, ही हैड टू बी, टू बी ट्रेंड, ट्रेंड, ए एन को एन बोलते हैं, तो ट्रेंड, ट्रेंड टू बी गुड, गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम, वेन में एच साइलेंट होता है, एच जो होता है वो साइलेंट होता है, ई एन को एन बोलते हैं, तो वेन ही वॉज नॉटी, नॉटी ही वॉज अप टू, ही वॉज अप टू मोर, देखिए मिस, मिस चीफ, मिस चीफ, मिस चीफ देन एवर, एवर फोर इंस्टेंस, ए एन सी को एन से बोलते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया, फोर इंस्टेंस वन डे सम, ओ को आ बोला जा रहा है, ठीक है, तो हो गया सम, ई का उच्चारण तो कुछ होता ही नहीं है, तो सम वर्ड ई गेव, ए के बाद ई आया, तो ए का उच्चारण जो है एक रुपये होता है, गेव हिम सम बनानास टू ईट, वेरी सून ही डेवलप्ड, डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स और फ्रूट ऑन ए टेबल, ए वी एल ई को एबल बोलते हैं, टेबल नियर ए विंडो, ए विंडो इन द डाइनिंग रूम्स, वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिस, देखिए डिस है, डिस अपेयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड, एक बात ये है, ब्लेम्ड द servants, servants for eating all the fruit in the house, EWQ बोलते हैं, few days later, AER को आर बोलते हैं, टी लगाता है, few days later the fruit disappeared, disappeared again, AN को AN बोलते हैं, जी अगेन हो गया, again this time the blame was put on me and I knew I had not done it, it made, एक के बाद ये देखिए, made me very
एंग्री विद माई पेरेंट्स, ई एन टी को एंड बोलते हैं, पेरेंट्स एंड द ई आर को आर एस लगा सर, सर्वेंट्स फॉर द फॉर आई वॉज श्योर दे हैड हैड टेकन, ई एन को एंड बोलते हैं, ऐसे भी एक ही बात ई है तो टेकन ऑल द फ्रूट द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपेयर्ड आई फाउंड, ओ यूनिकॉर्न बोलते हैं, एफ लगा फाउंड, जी रहता तो जी आता तो ग्राउंड, पी रहता पाउंड, है ना, जैसे अगर लिखते हैं ये वाला साउंड, जी हाँ तो ये लिखते हैं साउंड, तो ये साउंड हो गया साउंड अप ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियंस दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच फॉर आई हैड Never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. Next day, while I was sitting in the dining room, तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरे टेक्स्ट को मैंने पढ़ दिया। आपको अगर कोई दिक्कत है, सख्त सुविधा है, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप शुरू से देखें वीडियोस को, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वन टाइम नहीं समझा, टू टाइम नहीं समझा, थ्री टाइम नहीं समझा, फोर टाइम देखें, और इस तरह के वीडियो को आप कम से कम 10-20 दिन तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। कैसे मैंने पढ़ा, वीडियो को स्लो करके भी आप पढ़ सकते हैं, या तो उसको स्लो करके पढ़ सकते हैं ताकि अच्छा लगे। अब चलिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ खास बातें जो फिक्स रहती है, जैसे कि प्रतिदिन जो है एवरीडे अंग्रेजी का अखबार पढ़ना। एक पेपर ले लीजिए, जी हाँ एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, और एक न्यूज़पेपर को वो तब तक रखिए जब तक वो फट ना जाए, ठीक है। न्यूज़पेपर रखना बहुत ज़रूरी है, और न्यूज़पेपर से ही आप जो है एक न्यूज़पेपर आपको लिखना और पढ़ना सिखा सकता है, जी हाँ दोस्तों। तो अंग्रेजी किताब भी ले लेना एक, या आप उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए एक, और उसको भी रखिए लिखने पढ़ने के लिए। पर डे जो है वन पेज, जी हाँ दोस्तों वन पेज लिखिए, ज़्यादा नहीं, वन पेज पर डे लिखिए, और उससे जो है आपको जो है हमें सीखने का प्रयास कीजिएगा, सीखा जाए उसका। देखिए अंग्रेजी के जो है अंग्रेजी भाषा के फिल्मों को देखना है, चाहे कोई भी भाषा को, लेकिन इंडिया वाला जो फिल्म होता है वो देखिएगा। और देखिए जो भी इंग्लिश की मूवी देखते हैं उसके सबटाइटल्स को जरूर जो है ऑन रखिएगा, ठीक है। सबटाइटल्स को ऑन रखेंगे से क्या होगा कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मतलब देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके कान तक तो जाएगा इंग्लिश के सारे वर्ड्स, तो आपको नीचे सब टाइटल्स, उससे पढ़ने में भी मज़ा आएगा, देखने के, यानी कि पढ़ना भी सीखेंगे और समझना भी सीखेंगे। अंग्रेजी का समाचार जरूर सुनिए हर दिन, जी हर दिन, इंग्लिश का नहीं, अंग्रेजी का समाचार सुनिए। और जैसे कि डीडी न्यूज़ ले लीजिए, या डीडी न्यूज़ नहीं अगर देखते हैं तो आप इंडिया टुडेज़ का न्यूज़ देखिए, एक इंग्लिश का न्यूज़ ज़रूर देखिए, आधा घंटा का न्यूज़ ज़रूर देखिए, पर डे देखिए, आदत डालिए, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझ आपकी समझ बढ़ेगी, जी हाँ समझ बढ़ जाएगी। और पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, स्लो मोशन पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण, जैसे कि मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो बताया था कि कैसे जो है वर्ड्स का जो प्रोनंसिएशन होता है, मिस प्रोनंसिएशन को कैसे करेक्ट करेंगे, उस पर बात मैंने किया था। तो प्रत्येक शब्द का जो सही सही उच्चारण करने की कोशिश करना चाहिए, गलत नहीं पढ़ना चाहिए, रॉन्ग नहीं पढ़ने, मतलब रॉन्ग पढ़ने से अच्छा है कि आप पढ़ें ही नहीं, क्योंकि अगर रॉन्ग आपने पढ़ा, ठीक है, आपने रॉन्ग पढ़ा और वो ही सीख लिया तो गलत है ना। आज ही बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चे नहीं, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जैसे ये लिखा जाता है ना SHOT, और ये लिखा जाता है CUT, तो इसे शॉर्टकट कहते हैं, लेकिन शॉर्टकट को मतलब सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाते। कारण ये होता है कि भाई उनका होता है कभी कभी कि जो उनका जो लोकल लैंग्वेज होता है, जो बचपन से जो बोलते आ रहे थे, वैसे ही बोलना वो चाहते हैं, वैसे ही बोल देते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज में आता है। तो ऊंची आवाज़, देखिए एक और बात है कि ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें, जिससे क्या होता है कि आपकी बात आपके ही कान तक अच्छे से पहुँचती है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट की जानकारी रखिए, 26 लेटर होते हैं इसमें, जी हाँ 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर जेड तक को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये कैपिटल लेटर वाला है अल्फ़ाबेट, और यहाँ है स्मॉल लेटर वाला, तो सभी को करना है। इसी तरह कर्सिव राइटिंग में कैपिटल और स्मॉल होता है, लेकिन हम लोग को बेसिक यही सीखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है चार लाइन वाली कॉपी लीजिए, अगर आपकी राइटिंग जो सुंदर नहीं है तो चार लाइन वाली कॉपी पर रोज़ एक पेज जो है कम से कम जरूर लिखिए, ताकि आपकी राइटिंग भी सुंदर हो जाए, ठीक है। तो ये अपना अपना डिपेंड करता है कि उन कितना मेहनत करता है, सभी को पता है।
अच्छे से पता 26 लेटर, लेकिन लोग अल्फ़ाबेट नहीं करके एबीसीडी करते हैं। अब देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट जो होता है कॉन्सोनेंट का होता है, और कॉन्सोनेंट जो है ये है यानी कि अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा देने से जो बचता है लेटर्स, जैसे ये बी सी डी एफ जी एच जे है ना, यही तो है, के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बचता है 21। ये 21 कितने लेटर्स है, ये तो 5 लेटर्स है, ठीक है, ये 5 लेटर्स है और ये 21 लेटर है। इनके द्वारा जो उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होने वाले अक्षर क्या है, वो लेटर्स के जो अक्षर हैं वो जो कैसे उच्चारण होते हैं वो डिफरेंट है। जैसे देखिए बी है तो बी को बा बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, ठीक है, जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं, एल को ला, एम को मा बोलते हैं, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को बोलते हैं क, आर को रड़, एस को बोलते हैं स ज, टी को बोलते हैं ट त, और च स भी बोलते हैं, वी को व भ बोलते हैं, डब्लू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं और एक्स को एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, वाई को या बोलते हैं, जेड को ज झ बोलते हैं। उसके बाद सी आई और सी से श होता है, सी एच सी के क्यू क्यू यू ई, इन सभी को क कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ देखिए ये डी ओ जी, डी ओ जी तो बोलते हैं डॉग, ठीक है, डी ओ जी डॉग। अगर हम बोलते हैं डी यू ए एल तब बोलते हैं डॉग डुअल, या हम लोग बोलते हैं इस तरह से मान लीजिए कि एल ओ डी जी ई, ठीक है, एल ओ डी जी तो बोलते हैं डी को डी डी जी को ज बोलते हैं लॉज। तो अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि भाई आप अच्छे तरह से उन सब का वर्ड जाने, तभी आप वर्ड मीनिंग पढ़ भी पाएंगे, ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी पढ़ लेंगे। अब देखिए पढ़ते लिखते समय जो है वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, जैसे कि अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे ए है, ए है, ए को पाँच सॉरी ए को जो है चार तरह से पढ़ते हैं, जैसे ए को अ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और ए को अ पढ़ते हैं, ठीक है, या ई को जो है ई को भी ई को पांच तरह से पढ़ते हैं, ई को पांच तरह से पढ़ते हैं, अ आ ई ई और ए। आई उसी तरह आई जो है आई को भी पांच तरह से पढ़ते हैं, अ आ ई ई और आई, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओ का भी उच्चारण चार तरह से होता है, अ आ ऊ ओ। नेक्स्ट जो है यू, यू को भी चार तरह से पढ़ा जाता है, अ आ ऊ यू, और डबल ओ को भी डबल ओ को पांच तरह से पढ़ते हैं, अ आ ऊ ओ। तो ये क्या है ऊ ओ और ऊ ओ, अगर इसे आप अच्छे तरह से याद करेंगे तो भी आपका मतलब जो सं जो बहुत सारे बट समझते नहीं है, इसे समझते हैं लोग कि सी यू टी कट होता है, सी यू टी क्या बोलते हैं, कट होता है, कट बोलते हैं, तो पी यू टी को पुट क्यों बोलते हैं, पट क्यों नहीं बोलते, लोग सोचने लगते हैं। जाहिर सी बात है ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको ढेरों एग्जांपल मिल जाएंगे। तो इसका कारण है दोस्तों कि यू जो है, यहाँ मैं समझा दूँ, यू जो है ये यू जो है यू को हम लोग अ भी पढ़ते हैं, यानी अंग्रेज जो है अंग्रेज जो है वो अ भी पढ़ते थे और यू को ऊ भी पढ़ते हैं। इसी वजह से यानी एक जगह उन्होंने अ उच्चारण ले लिया, दूसरी जगह उन्होंने ऊ उच्चारण ले लिया, इसीलिए कट अपुट होता है। अब बात समझ गए हो ना, इसी तरह के सारे जो समस्या है जो झंझट है वो सब आपको यहीं से दूर हो जाने वाला। अब देखिए वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसका एग्जांपल्स को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपको कोई पढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा है, बताना नहीं चाह रहा है, तो आप हमारे वीडियोज़ को देख कर आप पढ़ सकते हैं, कॉपी जरूर तैयार कीजिएगा, शुरू वाले वीडियोज़ देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, और उस वीडियोज़ का कॉपी तैयार करिए, कॉपी तैयार करके ही आप उसका रिवीजन करेंगे, आपको सब समझ में आने लगेगा कि भाई आखिर कैसे कैसे जो है इंग्लिश को सीखा जाए। देखिए लिखने से लेके बोलने से लेके समझने तक है ना, सब कुछ धीरे धीरे आप कर सकें, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। जी हाँ, सेंटेंस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड,
सबके ऊपर वीडियोस है, और ये वीडियोस जो है सो पूरी तरह से ग्रामर बेस है, यानी ग्रामर के नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। मतलब प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा। अगर लिखना सीखना चाहे तो लिखना वाला वीडियो देखिए, अगर पढ़ना सीखना चाहे तो पढ़ने वाला वीडियो देखिए, अगर आपको समझना सीखना समझने वाला वीडियो देखिए, सभी तरह के अलग अलग बात। बहुत सारे लोग को लिखना आता है तो बोलना नहीं आता, बहुत सारे लोग को मतलब कि कुछ ना कुछ कमी है सभी में। जैसे ये देखिए ए है, मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि ए जो ये है, इस ए का उच्चारण अलग अलग तरह से हो रहा है या नहीं। जैसे मेडल है, मेडल में ए को आ ही बोल रहे हैं, मेडल। स्मार्ट में यहाँ पर ए को आ बोलते हैं, स्मार्ट। मेड में को ए बोलते हैं, मेड। क्रैप में ए को आ बोलते हैं, क्रैप, है ना। नेस्ट में ई को ए बोलते हैं, नेस्ट। नीट में ई को ई बोलते हैं, नीट। सर्कल में आई का उच्चारण सर्कल, सर्कल। सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा, सर्कल। पीन में आई का उच्चारण जो है छोटी छोटी कह लीजिए, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी कह लीजिए, टीन। जबकि टायर है, टायर में आई का उच्चारण लिखे टायर, ये आकार आ गया, यानी कि आ उच्चारण हो रहा टायर। उसी तरह देखिए एसवेन, सन में ओ का उच्चारण जो है, सन में ओ का उच्चारण आ हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ हो रहा है, प्रूव, है ना। जबकि टोन में ओ का उच्चारण होता ओ, टोन। एस यू एन सन में यू का उच्चारण होता आ है सन, एस यू एन सन। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण होता ऊ, पुट। म्यूट में यू का उच्चारण होता है यू, म्यूट। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण होता है अ, फ्लड। MWN मून में डबल ओ का उच्चारण होता है ऊ, क्या होता है ऊ, मून, मून। और FLWR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण होता है ओ, फ्लोर, फ्लोर, है ना। मज़ेदार। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपने देखा। अब देखिए अल्फ़ाबेट के कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, और ये दो हिस्सों में बटा, एक तो वोवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, दूसरा है उसका जो ये लिखिए ए ई आई ओ यू, दूसरा जो है ये 5 लेटर जो है 27 अलग अलग तरह से पढ़े जाते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है, और जाहिर सी बात है इसका उच्चारण भले ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके रेशियो में ये कम तरह से हो रहा है ना, कमतर ही है। नेक्स्ट जो है सो, यानी कि देखिए बी से लेकर जेड तक उच्चारण है, टी जो सिर्फ टी है उसी का उच्चारण 4 तरह से होता है, बाकी सबका 1-2 तरह से होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड है, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसमें वर्ड्स की संख्या है 70। तो चलिए 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड किस तरह से आपके काम आने वाले हैं। जी हाँ सर, देखिए यहाँ पर जो है पार्ट्स लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका उच्चारण जो है इधर मैंने लिखा है कि भाई ये पढ़ा कैसे जाता है, तो ये सन लिखा हुआ, ये सीएल लिखा हुआ, ये चर लिखा हुआ, ये चुअर लिखा हुआ, ये प्रो लिखा हुआ, ये संजन लिखा हुआ, ये एलॉजी ये लिखा हुआ, टिब लिखा हुआ, ये जो इज लिखा हुआ, ये सीए लिखा हुआ, ये जो है टेड लिखा हुआ, और यहाँ पर जो है एज लिखा हुआ, एज। जबकि ई एन है तो एन को हैन मैन टेन कहते हैं। देखिए एग्जांपल समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए नेशन है तो शन ये लिखा हुआ, शन नेशन। इसेंशियल में ये देखिए सी एल है, नेचर में ये देखिए चर है, फैक्चुअल में ये देखिए चुअल है, प्रोविजन में ये है प्रो है, इंटरमीशन देखिए इंटरमीशन में यह शन है, ये शन है, और ये जन है, यहाँ पर देखिए प्रोविजन वाला जन। इकोलॉजी में ये देखिए लॉजी है, टिब में ये है टेब, सिटीज में यहाँ देखिए सिटीज, ये देखिए इनिशिएटेड का सी ए है, ये कलेक्टेड का ये टेड है, लिंकेज का ये एज है ना। तो कन है ये कन, कन का ये देखिए कम का ये कम है, ताकि ई आर है तो ई आर के पहले एम लगा तो मर हो गया, ई आर के पहले टी लगा तो टर हो गया, ई आर को अर बोलते हैं। देखिए ये अर है तो ये देखिए पावर है ना, पावर। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, तो ये देखिए एम है, ये है पो, और ये टेंट है, टेंट टेंट इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट। एल को बोलते अल, तो देखिए यहाँ सन तो है ना, जो कि यहाँ आपने देखा सन,
और यह सन यहाँ भी है सन, लेकिन ये जो अल है जो कि सन के साथ लगा तो सनल हो गया, सनल। नेशनल ईएल है तो देखिए रेडियल, शिव है तो ये तो चार पार्ट से ही बना है, जैसे कम प्री धन शिव, एन सीक्वेंस बोलते हैं तो इम्पोर्टेंस, ठीक है टेंस हो गया। ये देखिए एंस यहाँ भी है, इसके साथ इसको ज बोल रहे तो प्रेजेंस, प्रेजेंस। एन क्वेंस बोलते हैं मेन ड्रेन, ई एस टी क्वेंस बोलते हैं वेस्ट रेस्ट। तो आपको इस तरह के वर्ड्स पे प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है, अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के दरमियान ही आप जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड को पहचान लेंगे। जैसे देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों पढ़ते हैं, तभी तो लो और लो भी पढ़ते हैं, नाओ भी पढ़ते हैं। ए वाई को ए पढ़ते हैं तो डे पे मे से, ए टी को एट पढ़ते हैं तो एट तो मैट रैट कैट दैट, ए टी को एट पढ़ते हैं तो मेट रेट केट, पी आर ई को प्री बोलते हैं प्री प्रे तो प्री फिक्स प्रेजेंट, ओ एस को एस बोलते हैं तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस, सी एल को बोलते हैं कल, ये कल भी है ये चर भी है, आई जी एस टी को बोलते हैं आइट तो ये फाइट है राइट है नाइट है, ए सी को बोलते हैं एक तो यहाँ देखिए एक है, और ये देखिए सेस है सेस, एल ई को लेस बोलते हैं तो देखिए ये माइंडलेस है, एल के को का बोलते हैं तो वॉक है, ए ओ एन जी को अंग बोलते हैं तो सॉन्ग है अमोंग है। दूसरा बात एस सी वारी को श्योर बोलते हैं तो अश्योर, टी आर ई को ट्री बोलते हैं तो देखिए यहाँ ट्री है, कंट्रीब्यूट ई सी ए को इको बोलते हैं तो इकोलॉजी है, ई आर को अन बोलते हैं तो यहाँ देखिए अर्न जो है सी के अलग तो सर्न हो गया, तो कर्न देखिए अर्न जो है सी के अलग तो सर्न हो गया तो कंसर्न, डबल ओ को बोलते हैं तो ये टुक हो गया लुक हो गया, एल वाई को ली बोलते हैं तो ये ऑनली हो गया, सी ए को बोलते हैं तो को है, और ये देखिए सन है कोऑपरेशन, आई जी को इंग बोलते हैं तो इंग कमिंग गोइंग, सी को सा बोलते हैं तो पुलिस पुलिस, एल एम में एल साइलेंट है तो उच्चारण होता है काम, ठीक है। डी जी में जी साइलेंट है डी साइलेंट है लॉज, जिन में जो है ये देखिए एन जी साइलेंट है उच्चारण होता है शाइन। तो दोस्तों ये अब लास्ट स्लाइड है, इस स्लाइड को आपके सामने मैं ला रहा हूँ ताकि आपको 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर ई एन टी है तो यहाँ देखिए ई एन टी इम है तो टेंट रेंट, इम है तो एम्प्लॉयड एबल है, तो देखिए कंफर्टेबल डिस है तो डिसकम्फर्ट है ना, ये देखिए क्योर है तो प्रोक्योरमेंट, प्रो भी पार्ट है क्योर भी पार्ट है मेंट भी पार्ट है, इम है तो इम्बैलेंस, आउंड है तो देखिए फाउंड साउंड, इक है तो बेसिक, एन है तो ह्यूमन, ऑन है तो ओनियन है ना ऑनियन, अंग है तो शंग, उसी तरह देखिए ऑन यहाँ है तो यहाँ ऑन लाइन ऑन गोइंग, ओन है तो ड्रोन प्रोन टोन, ई है तो देखिए लिक टी, जन है तो देखिए रीजन, ईवल है तो देखिए सेंसिबल, एक्स है तो एक्स एज तो बोलते हैं एक्सचेंज एग्जाम, यूनी है यूनी यूनाइट तो यूनिसाइकल हो गया यूनाइट हो गया, और है ओ आर तो आर भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, तो मोटर है फोर है, री है तो रिजल्ट हो गया, अल है तो अल हो गया सी लगा कल हो गया बाकी चर है, डी है तो डिज़ाइन हो गया। तो दोस्तों ये था और इस वीडियो में ही तक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और धन्यवाद थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान से पढ़िए और पढ़ते रहिए क्योंकि इंग्लिश सीखना आपका जुनून है, तो मैं इंग्लिश जो है बताना मेरा जुनून है, ठीक है। इंग्लिश के अलावा मुझे भी कुछ नहीं दिखता है कि मैं इस चैनल पर कुछ और भी अपलोड करूँ, तो खैर धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।